सोहन जी कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं आपका भाई मनीष स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। सो देखो यार, बात सिर्फ कुछ दिन पुरानी है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक नारा दिया था, हर घर तिरंगा। अब आप इसे नारा कह लो या मैसेज कह लो, लेकिन जब बात देश के लिए कुछ करने की हो ना, तो जज्बा अंदर से अलग ही जाग जाता है। सो ऐसा ही हुआ हमारे साथ, पर इस बार नया एक अलग ही वाइब आ रही थी। फिर हमारे एक ग्रुप में, जो हमारे एरिया के ग्रुप है, खेली युवा संगठन, उसमें मैसेज आता है कि हम सभी को ना इकट्ठा होना है। अब इकट्ठा किस लिए होना है? सो हम सभी को अपने पूरे एरिया में तिरंगा बांटना था। तो भाई 12 अगस्त की शाम 6 बजे के आसपास हम सभी इकट्ठा हो गए। ये हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ इकट्ठा हो गए। हमारे बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चौहान जी भी आए हमारे साथ। सबको नारा लगाते हुए भारत माता की जय, इतनी सारी आवाज गूंज रहे थे, सभी के घर में झंडा बांट रहे थे। यार मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि हम खुशियां डिलीवर कर रहे हो सब कुछ भाई, पूरे इलाके में झंडा बांट रहे थे। घर में झंडे बांट रहे थे ताकि 13 से 15 अगस्त जो अमृत महोत्सव का इस बार का सीन था कि हम लोग सभी अपने छत पे तिरंगा लहराएं, सो वो हो सके। सो इसके लिए हम सभी ने एक घर से जाके दूसरे घर तक तिरंगा बांटा, नारे लगाए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, और जैसे ही हम एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो रहे थे ना, तो यार उस मोहल्ले के लोग भी हमारे साथ जुड़ते होते जा रहे। जैसे जैसे हम गए हमारी संख्या बढ़ती गई, उसके बाद हम पूरे मोहल्ले में ऐसे ऐसे पूरे बांटते हुए। सो जब हम सब ने पूरे एरिया में तिरंगा बांट दिया, उसके बाद हम सब इकट्ठा हो गए वहाँ पे अपनी जगह जहाँ नॉर्मली हम लोग इकट्ठा होते थे। फिर सारे दोस्त मिल के क्या करते, वही आपको पता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई। यार पूरा मैंने पिया नहीं सही में, क्या था मैंने पी ली, लेकिन हाँ कोई नहीं भाई, मुझे स्प्राइट भी नहीं थी, कोई नहीं। 3 गिलास भी रखे भाई, 3 गिलास सही में भाई मेरे सामने, वो भी देखा है उस चमन का भी दोबारा, ब्लैक व्हाइट दोनों है, ब्लैक एंड व्हाइट, और नारे लगाई नहीं चीज में भी हमने मस्ती कर ली, मतलब इंजॉय कर रहे थे हम उस चीज को भी। ले और गिलास अजय भाई, मनीष भाई को वो करो। फिर नेक्स्ट डे 13 अगस्त की मॉर्निंग को, जिस दिन हम सभी को अपने अपने छत पे तिरंगा लगाना था, तो मैं सुबह सुबह आ रहा था कहीं से, तो देख रहा हूँ एक छोटा सा बच्चा, आपने वो मेरी रील्स भी देखी होगी जो वायरल हुई है, तो एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े डंडे में तिरंगा लेके जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है भाई? कहाँ ले जा रहा है? कौन से स्कूल में पढ़ता है? किसने बोला ये ले जाने के लिए? सभी को ले जाना है ये क्लास मॉनिटर को? एक एक झंडा लेके जाना है। ओके मैं उससे पूछ रहा था भाई कहाँ ले जा रहे हैं, फिर मुझे पता चला उन लोगों की स्कूल की तरफ से है कि सभी को एक एक तिरंगा लेके आना था। मतलब उसके बाद ना अलग ही वाइब आ गई। फिर हम सभी ने जाके अपने अपने छतों पे 13 तारीख की वो सुबह में अपने अपने छतों पे तिरंगा। हर घर तिरंगा लहरा रहा है, सबके घर पे तिरंगा, सबके छतों पे। ये मेरे घर सामने, इधर इधर देख लो, मंदिर के पास भी 3-3, 4-4। एक सुकून मिल रहा था कि इस बार के अमृत महोत्सव में, इस बार के इंडिपेंडेंस डे में हमने
अपनी तरफ से कुछ खुशियाँ कुछ चीज़ें करने की कोशिश की और इस बार हमें मौका मिला। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो बिग थम्स अप, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दो, पर यार सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़।